हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? घर में बैठे बैठे सब बोर हो जाते होंगे, सभी हो जाते हैं, पर मैं थैंक्स कहना चाहूँगा स्मार्ट को कि इस अनिश्चितता का जो काल है उसके अंदर संतोष सर ने जैसे बताया कि एक एंटरप्रेनर को क्या करना चाहिए, आगे की रणनीति बनानी चाहिए, क्या होगा आगे का मार्केट कैसा होगा, जब कुछ भी हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते आने वाला समय कैसा होगा, इस आपदा के बाद क्या होगा कैसे होगा। तब संतोष सर ने अभी रिसेंटली कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं जो बहुत ही हेल्पफुल है, और संतोष नायर एकेडमी के जो ऑनलाइन वीडियोस है मुझे बहुत हेल्पफुल हुए हैं। संतोष सर का जो संतोष नायर एकेडमी है उससे मैंने सुपरस्टार एंटरप्रेनर्स, फिर व्हाई एंटरप्रेनर्स मिस द बस, और सबसे ज़बरदस्त जंप रेड टू ब्लू, ये तीन सीढ़ी तीन दिन में देखा मैंने उनका पूरा, पाँच पाँच छः छः घंटे का, और मैंने उसका सब नोट डाउन भी किया पूरा। इस जो अभी ये जो टाइम मिला है हमें, उसमें अगर हम ये सब चीज़ें देख लें और उससे अपना नेक्स्ट स्ट्रेटजी बनाएं, अनिश्चितता का ये काल है उसके अंदर अगर हम इसको अच्छे से इसका यूटिलाइज करें, तो संतोष सर जैसे कहते हैं कि बहुत सारा डेंजर्स भी है, अगर उसको पॉजिटिवली देखो तो लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है इस डेंजर्स के पीछे, डेंजर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी के अंदर। संतोष सर का जो कहना है बिल्कुल सही है, मैं संतोष सर का बहुत, मैं स्मार्ट पूरा स्मार्ट परिवार का आभारी हूँ कि उन्होंने ऐसे सब यूटिलिटीज़ बनाई है। हम एंटरप्रेनर को आगे, जो हमारे जैसा छोटा एंटरप्रेनर है जिसको हम जो रेड में है, रेड से ब्लू ऑशन में जाना चाहिए और कैसे जाना चाहिए, उसका एक पूरा पिक्चर उन्होंने बना के दे दिया। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ स्मार्ट परिवार का, और ख़ास कर संतोष नायर सर का, जिन्होंने ये अनसर्टेनिटी का जो है अनिश्चितता का काल, उसके ऊपर जो अभी रिसेंटली उन्होंने चार पाँच दिन में जो वीडियोस अपलोड किए हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। हम सबको ही वो देख के उससे इंस्पायर होके ना के घबराने की ज़रूरत है, बल्कि अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना है, आगे क्या रणनीति होगा और क्या कैसे आगे हमको बिजनेस करना है, उसके बारे में काफ़ी कुछ बताया है सर ने। मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि ये सारे वीडियोस भी देखने चाहिए जो अभी सर ने रिसेंटली अपलोड किए हैं। संतोष नायर एकेडमी का जो एक अमाउंट है, एक फिक्स अमाउंट में वो कुछ सीढ़ी दे रहे हैं सर, माना अगर हम ये 21 दिन के अंदर अगर सर के 21 प्रोग्राम भी अगर हम देख लेते हैं पर डे, एक प्रोग्राम भी सिर्फ अटेंड करते हैं जैसे एज ए सेमिनार में बैठे हैं, मैं तो उसी तरह से सारा कुछ, मैं अपना सुबह से बैठ जाता हूँ लैपटॉप लेके, सर का जो कुछ भी पॉइंट्स है वो सब अपना वर्ड के अंदर उसको PPT बनाता हूँ, वर्ड्स में डालता हूँ और पूरा डेटा कंप्लीट तैयार कर लेता हूँ, और उससे अपना आगे का स्ट्रेटजी भी बनाऊँगा इंशाल्लाह। आप सबको भी मैं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करके, अगर आपके पास वो है सब्सक्रिप्शन लिया है आपने तो आप उसका उपयोग करिए, और नहीं है तो आपको वो सब्सक्रिप्शन करवा लेना चाहिए, और ये 21 दिन के अंदर आप अगर 21 प्रोग्राम भी अगर आपने देख लिया, तो मैं नहीं कहता हूँ कि आपको आने वाले अनिश्चितता का काल अनिश्चितता लगेगी, आपको लगेगा बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और मेरी ये 10 साल की लड़की है जो पायलट बनने का सपना देख रही थी, पर संतोष सर के आज रेड एंड ब्लू हम कल रात से उस पर वर्क कर रहे हैं, मेरी लड़की भी मेरे को सपोर्ट कर रही है, तो अब वो कह रही है कि पापा पायलट से अच्छा मैं बिज़नेस करूँगी आपके साथ। कैसा लगा आपको, मज़ा आया? कह रही है संतोष सर की जो स्पीच है उसे बहुत अच्छी लगी और वो बहुत ही इंस्पायर हुई है सर से। इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो सर के साथ मिलाना है इसको भी। बी पॉजिटिव थिंक करके
अगर मैं कहूँगा कि आप सब ये संतोष नायर सर की जो सीरीज़ है, सर के जो प्रोग्राम्स है, उसको देखने से मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे नहीं लगता कि ये अनिश्चितता का काल है, ये कुछ सीखने का काल है। जय हिंद, नमस्ते। सब अपना अपना ख्याल रखें। बी केयरफुल, टेक केयर ऑल।